उधर दीपावली के मौके पर दिल्ली से तमिलनाडु तक देखे 7 राज्यों ने पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है। इस बैन के खिलाफ बाबा बागेश्वर ने आवाज उठाई है। पटाखा बैन पर भड़क गए बाबा बागेश्वर। उन्होंने इसे देश का दुर्भाग्य बताते हुए कहा कि जब भी सनातन धर्म के त्यौहार आते हैं कोई ना कोई रोक लगाने की बात करता है, तो पटाखों पर कैसे बागेश्वर वर्सेज भाईजान तौकीर रजा हो गया, ये देखिए आप रिपोर्ट में। दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। तो खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते। दिवाली आ गई, घर सज गए, तैयारियां हो गई, लेकिन दिवाली मनाने के साथ साथ लोगों को प्रदूषण से बचाने की तैयारी भी कई राज्यों की सरकारों ने कर ली। दिवाली पर वायु प्रदूषण रोकने के लिए कई राज्य सरकारों ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। कई राज्यों ने सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी। किन किन राज्यों ने पटाखे जलाने पर बैन लगाया है बताएंगे आप, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पटाखे जलाने वाली पाबंदियों पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने किस तरह से हमला बोला। उन्होंने दिवाली के दिन पटाखे जलाने पर बैन लगाने के फैसलों को देश का दुर्भाग्य बताया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई रोक लगाने की बात करता है। इस दौरान बाबा बागेश्वर के निशाने पर अयोध्या दीपोत्सव पर सवाल खड़े करने वाले लोग भी आए और बकरीद के त्योहार पर चुप्पी साध लेने वाले लोग। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ऐसे दोहरे मानदंड वाले लोगों के सिर पर सुतली बम रख देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि इस बार दिवाली पर उन्होंने भी पटाखे जलाने की तैयारी पूरी कर ली, उन्होंने सुतली बम खरीद कर रख लिए। उन्होंने कहा है कि जितने दीयों में तेल जलाया जाता है घी जलाया जाता है इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों की बकरे काटी जाती है जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं तब प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया और कुछ। धीरेन्द्र शास्त्री साफगोई से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, बिना लाग लपेट के वो अपनी बात कहते हैं, इसलिए उनके समर्थक उनके दरबार में जाने वाले लोगों को बाबा बागेश्वर की बातें पसंद आती हैं। लेकिन बरेली के मौलाना तौकीर रजा को बाबा बागेश्वर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को क्या जवाब दिया ये सुनने से पहले जरा देख लीजिए कि देश के किन किन राज्यों में पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दी गई। इस वक्त देश के 7 राज्यों ने दिवाली के दिन पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है, जिसमें दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु शामिल। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर जैसे प्रमुख शहरों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। महाराष्ट्र में भी पटाखों पर प्रतिबंध है और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति। कर्नाटक सरकार ने भी दिवाली के दौरान केवल ग्रीन क्रैकर्स जलाने की इजाजत दी है। पंजाब और हरियाणा में पटाखे जलाने को लेकर कड़े कानून। तमिलनाडु में भी पटाखे जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया गया है। पटाखों पर पाबंदी और बाबा बागेश्वर के बयान पर मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि शुक्र है मुसलमान आतिशबाजी नहीं करता,
अगर कर रहा होता तो इस माहौल में उस पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाता। तौकीर रजा के मुताबिक दीपावली रोशनी का त्योहार है, न कि धमाकों और पटाखों का त्योहार, लिहाजा खुशी का इजहार करने में प्रदूषण फैलाने का क्या तुक है? कि क्या किसी मुसलमान ने कहा है कि पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए? क्या किसी मुसलमान ने यह बयान दिया है कि होली नहीं खेलनी चाहिए? फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बकरीद पे कुर्बानी नहीं होनी चाहिए? बकरीद ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये आपका धर्म। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जैसे ही तौकीर रजा को पता चला कि बाबा बागेश्वर ने बकरीद के त्योहार पर कुर्बानी रोकने की मांग की है, उन्होंने इशारों इशारों में बाबा बागेश्वर पर ये कहते हुए निशाना साधा कि हिंदू धर्म के गंभीर संतों से पटाखे पर बैन के बारे में पूछना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगर चारों शंकराचार्यों से इस बारे में पूछा जाए तो वो भी पटाखों को बैन करने के फैसले को सही ठहराएंगे। उन्होंने कहा है कि जितने दीयों में तेल जलाया जाता है घी जलाया जाता है इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटी जाती है जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। बकरीद पे जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तो ये जो बातें हैं ये तमाम हिंदू मुस्लिम जो लोग फैलाते हैं, मेरा मानना ये है कि ये देश के असली दुश्मन अगर कोई है तो वो ये लोग हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। पटाखों पर बैन को लेकर सिर्फ धर्मगुरुओं में ही नहीं बल्कि सियासत में भी शोर मचने लगा है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक सियासतदान पटाखों के बैन के फैसलों पर वार पलटवार कर रहे हैं।